नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फूडी यम पर। आज हम अपने चैनल पर अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू करेंगे सुजाता डायनामिक मिक्सर ग्राइंडर की, जो कि आप देख रहे हैं ये हमारे सामने है। इसको मैंने परचेज किया है, ये हमारी कुकिंग में बहुत ही काम आती है। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और ये कितनी पावरफुल है और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग करना। तो ये सुजाता का हमारा डायनामिक मिक्सर ग्राइंडर है। 900 वॉट की इसकी मोटर है और इसके साथ हमें 3 जार दिए गए हैं। प्रोडक्ट की इमेज भी इन्होंने बाहर दे दी है, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इसको खोल कर देखते हैं इसके साथ क्या क्या दिया है। ये इन्होंने ऊपर ही दिया है, ये पूरा इन्होंने इंस्ट्रक्शन के साथ इसमें लिखा है और साथ में इसकी MRP दी है जो यहाँ पर 8073 रुपये है, लेकिन इस समय ये अमेजोन पर आपको 5499 रुपये का मिल जाएगा। 3 जार मिक्सर डायनामिक, मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी अगस्त की 2021 की है। इसका जो वेट है वो 6 kg है और जो मोटर की पावर है वो 900 वॉट्स की है। तो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं और ये देखिए इसमें ऊपर ही इसका मैनुअल दिया हुआ है इस तरीके से। इसमें पूरा लिखा है कि इसमें किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं और इसकी जो 3 जार हैं, जो ब्लेड हैं, जो भी प्रोडक्ट इसके अंदर है उन सभी के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरीके से इनको यूज़ करेंगे और इनके क्या क्या काम है, इसमें क्या क्या पीस सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैनुअल है इसके अंदर और ये पूरा आप इसको और इसके साथ इसमें क्या क्या आप प्रिकॉशन ले सकते हैं, किस तरीके से इसको ऑपरेट करना है। तो इस तरीके से ये इसमें प्रिकॉशन का कॉलम भी दिया हुआ है, स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी इसमें दिए हुए हैं इस तरीके से। ये इसका मैनुअल है और साथ में ये दिया है, ये इसके 2 कैटलॉग दिए हुए हैं। ये पूरे सुजाता के जो प्रोडक्ट हैं और ये उसकी पूरी लिस्ट दी हुई है क्या क्या सुजाता के प्रोडक्ट्स हैं फैन के, और इस तरीके से मैनुअल हैं और उनके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी गई है। अब हम बात करेंगे इसके साथ मिलने वाली एक्सेसरीज की। ये इसके साथ दिया हुआ है स्पेक्ट्रुला और इसके ऊपर सुजाता का नाम लिखा हुआ है और ये जार को क्लीन करने काम आता है। साथ ही में ये एक टूल टाइप दिया हुआ है जिससे कि हम जार के जो ब्लेड हैं उनको हम चेंज भी कर सकते हैं, तो उनको ब्लेडों को हम टाइट और चेंज करने के काम आता है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। तो ये इस तरीके का है हमारा और साथ में ये इन्होंने इसमें ये 2 ब्लेड दिए हैं। इसमें एक ब्लेड जो है वो विप ब्लेड है, मैं इसको खोल लेती हूँ। ये साथ में इसके 2 ब्लेड दिए हुए हैं, ये विपिंग ब्लेड है जिससे कि आप लस्सी को आप अच्छे से विप कर सकते हैं, और ये जो है ये ग्रेटिंग ब्लेड है, इसे आप सब्जी को छोटे टुकड़ों में काट सकते हैं, ये उसके लिए दिया गया है। और साथ में दिए हैं ये 3 जार और ये हमारा सबसे छोटा जार है। ये देखिए इसका जो नीचे का हिस्सा है बिल्कुल मेटल से बना है, जो और मिक्सी होती हैं उनमें ये प्लास्टिक का बना होता है, तो इसमें ये मेटल का है और इसका हैंडल भी बहुत ही सुंदर है और मजबूत भी है। और अब इसको हम देखते हैं, बिल्कुल जार को ओपन करते हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छी इसकी रबड़ दी गई है साथ में ताकि कोई भी चीज़ हमारी बाहर ना जाए, और इतना अच्छा इसका ब्लेड है, बिल्कुल कम चीज़ भी हमारी इसमें पिस कर बारीक पीस जाएगी। तो जैसे हम कोई मसाला कुकिंग में करते हैं बहुत कम क्वांटिटी में तो वो ईजिली पिस जाएगा इसमें, और अगर हम चटनी बनाते हैं तो वो बाहर नहीं जाएगी क्योंकि इसमें जो बिल्कुल टाइट रबड़ इसमें दी गई है और अनब्रेकेबल है ये, और जो इसकी लीड है ये अनब्रेकेबल है और बहुत ही सुंदर है, ट्रांसपेरेंट है। तो इस तरीके से ये हमारा छोटा जार है, ये 400 ml का है। अब हम बात करेंगे ये दूसरे जार की। ये देखिए ये भी कितना सुंदर है और इसमें ये इस तरीके से डिज़ाइन दिया गया है, बहुत ही सुंदर है और इसका हैंडल तो और भी ज़्यादा सुंदर है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, बहुत मजबूत है। और जैसा कि मैंने बताया है इनका ये नीचे का पोर्शन बिल्कुल मेटल का बना हुआ है, प्लास्टिक का नहीं है, और जो इसकी लिड है ये भी ट्रांसपेरेंट है। इसको ओपन कर लेते हैं, ये देखिए ये इसमें भी बिल्कुल रबड़ लगी है और बिल्कुल एयर टाइट है,
कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं निकलेगा, जो भी हम इसमें पीसेंगे वो इसके अंदर रहेगा। और इसकी जो लिड है ये बहुत ही सुंदर है, अनब्रेकेबल है और बहुत ही मजबूत है। और ये हमारा 1 लीटर का जार है, देखिए कितना सुंदर है। और इसके जो कॉर्नर है ये बिल्कुल भी शार्प नहीं है, इससे हाथ कटने का कोई डर भी नहीं है, तो आप इसमें इजीली कुछ भी पीस सकते हैं और बहुत ही अच्छे से इसमें हमारी ग्राइंड होगा। और अब हम लेते हैं ये हमारा तीसरा जार जो कि 1.5 लीटर का है, और इसकी लिड के साथ ये इसके साथ लॉक्स दिए गए हैं, और ये भी ट्रांसपेरेंट है, भी बहुत सुंदर है, बहुत मजबूत है। और जो इसका जार है ये देखिए कितना सुंदर जार है इसका, ये भी जो नीचे का हिस्सा है बिल्कुल मेटल का बना हुआ है और किनारे इसके भी शार्प नहीं है, तो आप इसमें कुछ भी वेट ग्राइंड कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। अब हम बात करते हैं इसके मेन यूनिट की, ये देखिए इसके साथ कितनी सुंदर इसकी कॉर्ड दी गई है और बहुत ही लंबी है, बिल्कुल देखिए आपके किचन में इजीली लग सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये टेंगल लेस कॉर्ड है, कॉर्ड कट जाएगी या गांठ लगेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें भी, जैसा कि हमने इसके पैकिंग में ही देखा था कि ये 6 किलो की इसका वेट है, तो ये बहुत ही हैवी है। जो इसका डिज़ाइन किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि ये किचन में बहुत ही कम स्पेस लेगा, जिसकी वजह से ये इजीली आप किचन में कहीं पर भी रख सकते हैं और आपके किचन में इजीली सेट भी हो जाएगा। और साथ ही में ये दिए हुए हैं, ये देखिए इसके साथ ये एक नॉब दी गई है और इसके साथ ये ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑफ का ऑप्शन है, लो का, मीडियम, हाई और विप का, ये देखिए इस तरीके से करते हुए। और ये जो है आपका 360 डिग्री पर इजीली घूम जाएगा और काफ़ी अच्छा फीचर है। पावर की लाइट भी है, जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे यहाँ पर रेड लाइट शो हो जाएगी। और सुजाता की जो मिक्सी है इसकी एक खूबी है, ये जो इसके ड्राइवर्स हैं जिन्हें हम ग्रारी कहते हैं, ये मेटल का बना हुआ है, ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा है, ये जल्दी से घिसता नहीं है, क्योंकि जो हमारे और मिक्सी होती थी तो उसमें आपका ये प्लास्टिक का होता है जिसकी वजह से ये इजीली घिस जाता है, मेटल की होने की वजह से ये सुजाता का बहुत टाइम तक चलता है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। और साथ ही साथ हम इसके नीचे की तरफ देखते हैं तो इसमें 4 लेग्स दिए गए हैं जिनमें रबड़ लगी हुई है, और इन लेग की वजह से मिक्सी है वो अपनी जगह से नहीं हिलती है, एयर क्रॉसिंग वेंट दिए गए हैं जिसकी वजह से मोटर जल्दी से गर्म नहीं होती है और जो जलने का डर नहीं रहता है इसका। और साइड्स में भी इसके दिया गया है दोनों तरफ, जिससे कि एयर इजीली पास हो सके और मोटर गर्म ना हो। तो ये कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। हाँ, ये थोड़ा महंगा लग सकता है आपको, लेकिन अगर आप एक बार इस पर पैसा खर्चते हैं तो ये आपका पूरा वर्थ करेगा, ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा। ये था हमारा रिव्यू सुजाता डायनामिक मिक्सर ग्राइंडर पर, तो आप देखिएगा, आप इसे लेंगे और सालों साल यूज़ करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।